अच्छा जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पिछली बार हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स कर लिए थे, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट्स, प्रिपरेशंस, यहां तक हमने कर लिया था। अकाउंट ग्रुप हमने डिफाइन किया नहीं किया ये मैं चेक कर लेता हूँ। C31A, नहीं C31A ही था हमारा, नहीं K34 था ना। अच्छा K34, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में पहले मैं जाता हूँ। K34 कंपनी कोड नहीं बना हुआ हमारा। T34 था, T34 था और XI8 था ना। हम कंपनी कोड तो हम XI8 पे ही चल रहे थे सर। हाँ अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया, गलती मेरी है। ओके ओके, मैं भूल गया ना, कंपनी कोड डालना ही भूल गया ना मैं। अच्छा, डिफाइन अकाउंट ग्रुप, ठीक है, पोजीशंस XIAT, XIAT में अब ये हमारा बन चुका है। अच्छा, अब आ जाए डिफाइन रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में, थोड़ा सा तेज जाऊंगा। XIAT ये भी हम बना चुके हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट्स और लॉसेस को आपस में इकट्ठा करके इक्विटी के साथ नॉक आउट कर देता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक चीज, ये नई चीज देख लेते हैं हम, रेफरेंस कंपनी कोड। अच्छा जी, XIAT रेफरेंस कंपनी कोड हमारा क्या होगा, अभी क्यों बनता है? देखिए, आपकी एक कंपनी बनी हुई है, आपने एक और एक कंपनी किसी और मुल्क में बनानी है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, एक चीज बनी हुई है आपकी पहले से, आप कैसे वहां से आप कंपनी कोड वो बना लेंगे, ठीक है। तो उससे भी हो सकता है, सेव किया बाहर आ जाए। अच्छा जी, चेंज दी, सर सेम लाइक जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर है, मल्टीनेशनल है, काफी कंट्रीज में इनके प्लांट है, तो जो हम डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट प्लांट कोड्स दिए हुए हैं, तो ये वही सेम इसी तरह इसमें कोड भी इसी उसी कहेंगे उसी उसी सर। पैटर्न पे, यस उसी पैटर्न पे, ठीक है, उसी पैटर्न पे ही है। अच्छा जी, अब आ जाए, आपने अगर कॉपी करना है, यस आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कंपनी कोड से करना, अगर आपके मल्टीपल कंपनी कोड्स हैं और एक कंपनी कोड आपने उसका सिस्टर कंसर्न बनाया, सब्सिडियरी बनाना है, तो आप उसके कंपनी कोड को भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपका कंपनी कोड प्रिंसिपल बना हुआ है, ठीक है, नया यहाँ पे डाला, कॉपी अपने प्रिंसिपल से किया और चला दिया, दैट्स इट, सारा काम तमाम हो गया। या आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स अगर बनाए हुए, जैसे मैंने आपको बनाए, वो भी आप कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट डाला यहाँ पे, ठीक है, और रेफरेंस कौन सा लिया, ये वाला XIAT ले लिया और उसको नए चार्ट ऑफ अकाउंट्स के साथ वो कर दिया। ये कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये समझ में आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर्स क्या है, जो वर्जन आप बनाएंगे, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट किस फैशन, किस फॉर्मेट में बनेगा, ये भी बन जाएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। XIAT, XIAT, XIAT मेंटेनेंस लैंग्वेज इंग्लिश होगी, चार्ट ऑफ अकाउंट्स XIAT, इसमें आपसे ये पूछा, हाँ जी जब आप स्ट्रक्चर्स बनाने जाएंगे उसमें तो फिर आप किस तरह वो करेंगे, ग्रुप अकाउंट नंबर अभी नहीं चाहिए, फंक्शनल ईयर पर नहीं वो नहीं चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स में जाएं, सेव यस करें, ऑन रिक्वेस्ट, K34 ये पकड़ा, XIAT ग्रुप, ठीक है। यहां पे अब आपके क्या होगा, ये आपने इसने आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक एक आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है एसेट्स का, लाइबिलिटीज का, एंड सो ऑन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, आइटम कौन सा देंगे जो आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ इसको पजल एसेट्स को मैं लेता हूँ, सॉरी हाँ पजल दिया था हमने जैसे आइटम को, उसकी बात कर रहे हैं नहीं 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 वो तो सेगमेंट्स थे मेरे भाई, जी। अच्छा सेगमेंट्स थे। ठीक है, अच्छा ये स्टार्टअप ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो इसका एक मिनट, तो स्टार्ट ऑफ ग्रुप ये, एंड ऑफ ग्रुप अच्छा ये जीएल कोड की बात कर रहे हैं आप लोग, जी सर, ये मैंने एसेट्स का कर दिया। ठीक, इसी तरह ही ठीक है लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज का चूज। असाइन अकाउंट ठीक हाँ है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है 2000 से 3000 के पल ठीक ठीक है, ये हो है गया। इसको किया सेव, अभी मैं पूरे नहीं बना रहा, सही है। ये बना दिया मैंने। यू वांट टू सेव ओनली और सेव एंड एक्टिवेट, अभी फिलहाल सेव करना, मैंने एक्टिवेट नहीं करना। FSC2 इसका कंपनी कोड है। ठीक, यहां से हो गया, समझ में आ गया। जी अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर हो गए। आप इसको इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन को अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप लगा दें, कौन सा न्यू एंट्रीज की अकाउंटिंग प्रिंसिपल 60, चार्ट ऑफ अकाउंट्स ZIAT, ZIAT Does not exist, check entry, maintain entries तो किए हैं यार मैंने, क्या हो गया उसको। अच्छा, चलो यहाँ से जाकर लिस्ट से जाके देखते हैं। जरूर इसने ड्राफ्ट में डाल दिया होगा, जी यस ये इसने ड्राफ्ट में डाल दिया, क्योंकि ड्राफ्ट में क्यों डाला, क्योंकि एक्टिवेट नहीं किया ना हमने पिछले, उसमें जी एक्टिवेट नहीं किया, तो इसको मैंने किया सेव। जब एक दफा बन जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको बाकायदा बनाएंगे। ठीक, पे 60 क्यों दिया हमने अकाउंट प्रिंसिपल? 60 वो नहीं जून जून टू है ना सर, मैं ख्याल से नहीं नहीं आई एफ जून टू आर एस जुलाई 60 IFRS है, गैप तो गैप ही है, IAS है, IFRS ये है, यहाँ पे इसने दो रखे हैं IFRS या PI। ठीक है, इसलिए ठीक अच्छा है, ये 60 कोड आई है ठीक हो गया ये ड्राफ्ट में। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया, ओके। अब आते हैं आगे, मुश्किल तो नहीं है ना, आज थोड़ा सा मैं तेज चलाऊं। अच्छा नहीं। जी, अब आ जाए थोड़ा सा और आगे आ जाए, हमने कंट्रोलिंग बना लिया था नहीं, कंट्रोलिंग मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया के लिए अब मैं जाऊंगा ZIAT, ZIAT बना हुआ है। ठीक है, इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे ये हर चीज बनी हुई, यहाँ पे मैं इसको अब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन दे सकता हूँ, कौन सा वाला, 60 यहाँ पे यस उसने ZIAT नॉट फाउंड, उसने एक्टिवेट नहीं किया ना इसलिए उसको मिल भी नहीं रहा फिलहाल, इसको INT रहने देते हैं। ठीक, सेव किया, सेव हो गया, एंटर, ओके के पी में आया, पोजीशन निकाली, ZIAT मैंने फाइंड किया, डबल क्लिक, कॉस्ट सेंटर हायरार्की भी ZIAT दिया हुआ है, एक्टिवेट्स कंपोनेंट्स किए, कंपोनेंट ये एक्टिव किया, ये भी एक्टिव किया, साल 2022 से किया, यहाँ पे लगा दिया, लास्ट में मेरे ख्याल है यही हमने वो किया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ गए, चलते हैं आगे। मेरा ख्याल है उसको हम FSC2 पे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन एग्जीक्यूट,
इसको हम एक्टिवेट अगर हमें इसे करना एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम पीछे जाएं ओके के पी पे पोजीशन जी एट डबल क्लिक। अब यहां पे इसको वो मिलना चाहिए। अब इसको मिलना चाहिए जी एट भी नहीं मिला। ओके कोई मसला नहीं, अगले उस पे आ जाते। खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब आते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जनरल लेजर अकाउंटिंग बिजनेस नहीं बिजनेस ट्रांस सॉरी 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 ग्लोबल सेटिंग लेजर्स। अब लेजर जो है ये आपका बहुत जरूरी एरिया जिस पे आपके साथ इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, एंटर जी किया यहाँ पे। अब एसएपी में जो सेटअप है ना लेजर्स का, वो कुछ इस तरह है। एक लीडिंग लेजर होता है बाय डिफॉल्ट, आपके पूरे लैंडस्केप में एक लीडिंग लेजर होता है जिसमें सारी एंट्रीज आती हैं आपकी डॉक्यूमेंट्स की। सारे डॉक्यूमेंट्स इसी में ही आते हैं, चाहे वो फाइनेंस के हो, एमए के हो, इन्वेंट्री के हो, प्रोडक्शन के हो, कंट्रोलिंग के हो, सेल्स के हो, सब इसी में आते हैं। लीडिंग लेजर 0L। इसके अलावा जो भी लेजर बने वो नॉन लीडिंग होगा, और नॉन लीडिंग में दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटेंशन लेजर और एक होता है स्टैंडर्ड लेजर। अब आपके जिससे जेन भी आएगा कि एक्सटेंशन और स्टैंडर्ड में क्या फर्क है बता देता हूँ। अब लेट्स से मैं जाता हूं, पहले मैं इसका आपको फर्क बता दूं। लीडिंग लेजर जो है, लेट्स से उसमें आपकी कंपनी पीकेआर में रिपोर्ट कर रही है, लेकिन आपकी एक कंपनी जो है वो यूएस में भी है, वहां पे भी रजिस्टर्ड है। वहां पे ज्यूरिसडिक्शन ये कहती है, अकाउंटिंग ज्यूरिसडिक्शन ये कहती है कि आपके टैक्सेस यहाँ भी फाइल होंगे यूएस में। ठीक, तो आपकी जितनी रिपोर्टिंग पीकेआर में हो रही है वो आपको यूएस में चाहिए, यूएसडी में। तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड लेजर का एक्सटेंशन बना देंगे, बजाय उसको पीकेआर में आप उसे करेंगे यूएसडी में। और अंडरलाइन लेजर मतलब ये है कि एक्सटेंशन लेजर सिर्फ अंडरलाइन लेजर लेता है, यानी ये वैल्यूज ले रहा है किस लेजर। अंडरलाइन का मतलब ये है कि किस लेजर पे ये इस लेजर का स्टैक आप रख रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड के ऊपर कौन सा एक्सटेंशन आ रहा है, वो 0L है। ठीक है, तो एक्सटेंशन लेजर जो है उसमें आप एंट्रीज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, और उसको आप पाबंद कर सकते हैं कि इसमें आप एंट्रीज नहीं कर सकते। ठीक, लगी समझ? जी सर, ओके गुड। अच्छा जी, तब अब पाबंद कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे ना, यहां से हम मैनुअल ये पोस्टिंग्स नॉट अलाउड से करेंगे। हाँ, अच्छा, टिक लगा देंगे, सही है। उसमें जो 0L की जो एंट्रीज होंगी वो फिर एक्सटेंशन लेजर में हूबहू वैसी नजर आएंगी, लेकिन यूएसडी में नजर आएंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो और सर, अब यूएसडी का जो वो है कन्वर्जन रेट, वो इसके अंदर पहले से डिफाइंड है या वो भी हम करते हैं? वो भी हम चेंज करते हैं, वो आपको बाद में सिखाएंगे। ओके सर। 0L। अब मैं जाता हूं कंपनी कोड सेटिंग्स। कंपनी कोड सेटिंग्स पे आया, यहां पे आपके पास ZAT पे आया, तो अब आपके पास यहां पे अब इस कंपनी के सेटिंग्स आएंगे। डबल क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक करके मैंने अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे मैं 60 लगा देता हूँ, फंक्शनल करेंसी 10 लगा देता हूँ। फंक्शनल करेंसी क्या है, कंपनी कोड की करेंसी जो कि पीकेआर में होगी, तो कंपनी कोड करेंसी यहाँ पे चल रही है। पैरल अकाउंटिंग यस, ये भी मैंने कर दिया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये मैंने किया सेव, एंटर एंटर।
ये भी हो गया। अब आते हैं हम, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी जरा देख लेते हैं। हमारे पास तीन चार हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपको यहाँ पे है ही कोई नहीं। 60 IFRS गैप, दोनों चाहिए मुझे, ये लगा दिए, सेव किया, एंटर किया, यहाँ पे दो लग गए। अब दूसरी चीज ये है, एक्सटेंशन लेजर जहां पे मुझे करेंसी के वो चाहिए, करेंसी अगर करेंसी के डिफरेंस के लिए भी मुझे चाहिए, दूसरा मुझे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए, यानी अगर लीडिंग लेजर मेरा अगर IFRS पर चल रहा है तो मुझे ये गैप पे चाहिए, इसलिए भी आप इसको मुख्तलिफ कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ करेंसी कन्वर्जन सेटिंग्स पे। करेंसी कन्वर्जन सेटिंग के लिए मैं क्या करूंगा, ये करेंसी कन्वर्जन है आपका जहां पे आप कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप अपना कंपनी कोड लें, मैं कहता हूं ज़ियाट नहीं है, ठीक है। अच्छा यहां पे मैं ज़ियाट लेके, ज़ियाट ये क्या है, करेंसी टाइप। करेंसी टाइप से मुराद ये है मेरे पास कि मैं कौन सी करेंसी ले रहा हूं, मैं कहता हूं लेजर करेंसी। करेंसी कौन सी होगी, जीबीपी। ठीक है यार, सोर्स कौन सा होगा, कहां से उठा रहा हूं मैं, ये मैं उठा रहा हूं डॉक्यूमेंट करेंसी से। एक्सचेंज रेट टाइप क्या होगा मेरा, उस दिन का एक्सचेंज रेट टाइप, यानी स्टैंडर्ड एवरेज जो चल रहा है उस दिन वो उठाऊंगा। ट्रांसलेशन डेट क्या होगा, डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग मैं कहूंगा पोस्टिंग डेट, और उसे करवाऊंगा रियल टाइम पे। अभी फिलहाल आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये आप एक दफा कर दें तो आपको चीजें स्ट्रीमलाइन होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। अब चलते हैं हम पीछे, इसको तो कर लिया हमने काम। अगला आता है आपका, सर इसको पाउंड स्टर्लिंग क्यों लिया था जबकि हमारा जीएड तो उस पे था, किस पे, पीकेआर पे था और पेरेंट कंपनी यूएसडी पे थी। किस पे था, यूएसडी पे, जीबीपी। देखिए रिपोर्टिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए आप ये असल में करते हैं। सर अच्छा, पेरेंट कंपनी हमारी यूएसडी में थी और हमारी लोकल कंपनी पीकेआर में थी, तो रिपोर्टिंग के लिए के ये जो आपने गैप की रिपोर्टिंग की वजह से इसको किया है। जी गैप की वजह से भी हो सकता है, आपके ज्यूरिसडिक्शन की वजह से भी हो सकता ठीक है सर, है, ठीक है। अच्छा ओके सर। यहाँ, हाँ K34 ज़ियाट ग्रुप लेजर। अच्छा जी अब मैं बनाने क्या जा रहा हूँ, लेजर ग्रुप्स बना रहा हूँ जिसमें मैं एंट्रीज यूएसडी में या गैप में जो करना चाह रहा हूँ वो मैं यहां से अचीव कर सकूँ। न्यू एंट्रीज K34 रिप्रेजेंटेटिव लेजर लेंथ 2, ओहो इसको ZI नहीं, एक मिनट इसको मैं कैंसिल करता हूं, पीछे जाता हूं, इसको भी मैं डिलीट मार देता हूं। न्यू एंट्रीज ZI एट लेजर ग्रुप ZI, यहां पे न्यू एंट्रीज की ZI does not exist। अच्छा yes किया, रिप्रेजेंटेटिव लेजर जो है इसका मैं इसको इसको सेव करूं, एंटर। इसमें मैं यहां पे लेजर असाइनमेंट 0L भी दे सकता हूं ना, न्यू एंट्रीज 0L रिप्रेजेंटेटिव लेजर, एंटर, सेव। अच्छा जी सेव कर लिया, अब मैं पीछे आता हूं, पीछे आके मैं फिर आता हूं यहां पे, एक्स आई, एक्स आई यानी बना हुआ, ठीक है। मैं बनाता हूं एक्स आई
एक्सटेंशन लेजर लीडिंग में कर नहीं सकता, एक्सटेंशन लेजर होगा, अंडरलाइन लेजर 0L, सेव सेव किया, नॉट पॉसिबल टू क्रिएट लेजर ग्रुप एक्स आई। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? डेटा वो सेव हो गया। इसमें जाता हूँ कंपनी कोड सेटिंग्स, और कंपनी कोड सेटिंग्स में यहाँ पे मेरे पास सेलेक्ट ऑल डिलीट, सारे मैंने डिलीट कर दिए। न्यू एंट्रीज करूंगा, जीएट पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहां पे मैं आप गैप दे सकता हूँ, वहां पे 60 लिया था, यहां पे गैप कर दूंगा 10। एन एंट्री विद दिस की इज मार्क फॉर डिलीशन। ये क्या बात, ओहो, ओके 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 ओके, अब समझ में आ गया। यस यस यस, इसको मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जाऊंगा सी, ओके कंपनी कोड सेटिंग, कंपनी कोड सेटिंग, नो एंट्रीज। अच्छा, मैं इससे बाहर आता हूँ थोड़ा सा, एक मैं, अच्छा ये मैं फिर से इसमें जाता हूँ, पोजीशन एक्स आई, कंपनी कोड यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, न्यू एंट्रीज जीएट गैप फंक्शन करेंसी 10, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट सर, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आपने गैप लिखा, लेकिन वहां पे 60 हो गया खुद ही कहाँ पे। अरे हाँ, मैं उसको करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, वो आपने भी बता दिया, गुड, दिस इज व्हाट आई वांट इन पीपल, वेरिएंट 01 गैप एंटर, अब गैप हो गया ना, सेव जी सर। अब एंटर। अब आपको समझ में आया किस तरह डिफरेंशिएट करना जी सर, है। ओके, अच्छा ये हो गया, अब आपने अपना एक्सटेंशन लेजर भी बना दिया है, ठीक बना लो। है। अब आपको कोई इस बात पे वो नहीं कर सकता, हैरान इंशाल्लाह सकेगा। जीएट करेंसी इसने नहीं उठाई, क्यों नहीं उठाई, इसको मैं फिलहाल, मेरा ख्याल है ये एरर देगा हमें, तो इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में एक्सपेरिमेंट करूंगा, ठीक है। ओके, मैंने सेव, और यहाँ पे मैं आपका लेक्चर भी समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत टेक्निकल हो गया था, आई नो ये नहीं बहुत से लोगों को समझ में आता।